सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से लोगों के सजेशन आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि कोई ऐसी साधना बताइए जिसके द्वारा मुकदमों में जीत हासिल हो, बिगड़ते हुए जो भी काम हैं वो सही हो जाएं और जो भी समस्याएं जिंदगी में आती हैं उनमें किसी बड़ी समस्या जो आपका काम बिगाड़ रही हो वो जो है नष्ट हो जाए, दुर्भाग्य आपका नष्ट हो, भाग्य आपका सबल हो जाए, जिंदगी में जो मूल रूप से जो रुकावट है वो हट जाए, इसको अगर ख़त्म करने की कोई साधना हो तो वो बताइए। तो अनुसंधान से मैंने ये बताया है कि यहाँ पर देखिए, समस्याओं का जो मूल जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में दूर करने वाले जो प्रमुख देवता हैं वो हैं भगवान गणेश। और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता इसीलिए कहा भी जाता है। तो उन्हीं में एक साधना उनकी आती है, विजय गणपति साधना। विजय गणपति साधना में आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको विजय मिलती है, आपके पुराने मुकदमे जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, जीवन में जो भी दुर्भाग्य आपका बहुत समय से आपका रास्ता रोके हुए होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और हर प्रकार से आपको शुभ लाभ इसमें मिलते हैं। बस इसकी साधना को आप सही ढंग से अगर संपन्न कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। दूसरी बात ये भी है इसमें कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सात्विक साधनाएं हैं भगवान गणेश की और इसको हर व्यक्ति कर सकता है सहजता के साथ में। आप मानक गुरु बना करके भी साधना कर सकते हैं, यानी कि किसी को आप मन ही मन किसी को गुरु मान करके भी ये साधना कर सकते हैं। कोई गुरु नहीं मिलता तो स्वयं गणेश भगवान को भी इस साधना के लिए अपना गुरु बना सकते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और इसको हम इसीलिए विजय गणपति प्रयोग कहते हैं क्योंकि इसमें विजय मिलती है। याद रखें, सही या सात्विक भावना से कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सात्विक साधनाओं में देवता ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने मन से पवित्र हैं और आप कितनी श्रद्धा से जो है इस उपासना या क्रिया को संपन्न करना चाहते हैं। इसलिए सात्विक साधनाओं का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और उसका फल शुभ ही होता है, उसमें कोई नकारात्मकता नहीं होती। जैसे और साधनाओं में आप अगर गलती कर जाएंगे तो आपको नुकसान होता है, भारी भय का सामना करना पड़ता है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन देवता ये जरूर देखते हैं कि आप मन से कितने पवित्र हैं, आप इस लायक हैं कि नहीं, या कोई गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं उस साधना या सिद्धि का। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए, जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, अपने पुराने मुकदमों और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका भाग्य रुक रहा है उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मूलतः इस विजय गणपति साधना को किया जाता है। गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए ये साधना अच्छी मानी जाती है। तो ये आप जो है प्रयोग करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति आपको लानी है जो पीले कलर की हो, यानी पीले रंग की मूर्ति लानी है। किसी तरह प्रकार से भी ध्यान रखिएगा कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग घरों में मूर्तियां तो रखते हैं लेकिन अंदर से खंडित होती है। अंदर से खंडित होने का मतलब होता है कि आपकी जो मूर्ति है वो खोखली है, उसमें कहीं कोई स्क्रैच वगैरह आ गया है, तो इस तरह की मूर्ति वो नहीं होनी चाहिए जो भी मूर्तियाँ पूजने जा रहे हैं। तो इस तरह की आपको भगवान गणेश की एक मूर्ति लेके आनी है जो पूरी तरह से ठोस हो और अत्यंत ही चमकीली सुंदर हो और उसके बीच में खोखलापन किसी प्रकार का ना हो। अब इसको आप किसी पंडित से आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति की करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा इस पहले इस मूर्ति की करवा लीजिए, फिर इसको मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर दीजिए और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है, ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः, ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। ये जो इनका मूल मंत्र है, इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है।
और इस मंत्र का आपको 2 लाख जाप का अनुष्ठान करना है। इस मंत्र को आपको 2 लाख बार जपना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए आपको शुद्ध जल होना चाहिए आपके पास, लाल चंदन होना चाहिए, कनेर के फूल होने चाहिए, इसमें घी का दीपक आपका लगता है इसलिए घी का दीपक होना चाहिए, लाल चंदन की माला होनी चाहिए, जो लाल चंदन आता है बाजार में मिलता है उसकी माला होती है। आप किसी भी अच्छे जो है पंसारी या वहाँ जो ऐसी दुकान हो जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता हो वहाँ जाकर के आप लाल चंदन की माला को आपको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। इसी में आपको लाल रंग के आसन का प्रबंध करना है आपको, और हो सके तो लाल कपड़े पहन लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको साधना शुरू करनी है। कोई भी ऐसा दिन जो बुधवार का हो और शुभ नक्षत्र उस दिन हो तो उस बुधवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। मुश्किलों को दूर करता है और मुकदमों में सफलता आपको प्राप्त होती है, और अपनी शक्ति का प्रयोग करके आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाद में मंत्र सिद्ध हो जाने पर आप जो भी व्यवहारिक लौकिक कार्य हैं जिंदगी में जो नहीं बन रहे हैं उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। विशेष रूप से जो है गणपति विग्रह को बुधवार के दिन प्रातः स्नान करके आप जो है गणपति पर जो है आप केसर और लाल चंदन का जो है तिलक लगाएंगे, और सामने गुड़ का भोग आपको लगा के रखना है। गुड़ ही जो है भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है, उसका भोग उनको लगाना है, और उनका जो है 21 पुष्पों से पूजन करना है। जो लाल कनेर के फूल बताए गए थे वो 21 फूल होने चाहिए, उन 21 फूलों से आपको पूजन करना है। ये कनेर का ही होना चाहिए, और जो भी आप पुष्प चढ़ा रहे हैं उस समय जिस कार्य में आपको विजय प्राप्त करनी हो उस कार्य को बोल करके आपको पुष्प चढ़ाना है कि प्रभु इस कार्य हेतु मैं यह संकल्प लेते हुए 2 लाख जप का आपको यह पुष्प चढ़ाता हूँ, आप मेरे इस कार्य में मुझे विजय दिलवाइए और मुझे इस समस्या से निदान मेरा करवाइए। इसके उपरांत जो है मंत्र जप आपको प्रारंभ करना है, और याद रखें ये आपको ये जो मंत्र जाप है आपको 11 दिन में अवश्य ही पूरा कर लेना है। 2 लाख जाप जो है आपको 11 दिन में अवश्य कर लेना है पूरा। 11 दिन का आपको इसमें संकल्प देना है 11 दिन में कि भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना है, और 11 दिन में पूरी तरह से जपते हुए इस मंत्र को कंप्लीट कर लेना है। अब जो है 11वें दिन आपको 5 कन्याओं को भोजन कराना है, और उन 5 कन्याओं में वो सभी 8 वर्ष से नीचे की कन्याएं होनी चाहिए, 8 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए बच्ची। जो भी आप लेके आएंगे साफ सुथरी हो, पवित्र हो, और उसको अगर लाल वस्त्र पहने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं, उनके सिर पे जो है लाल चुनरी आप बांध दीजिए सबके, और उनको फिर भोजन आप कराइए, और जिस भी प्रकार से आप उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं वो दीजिए, जिसमें चूड़ियाँ जो हैं लाल रंग की जो है उन्हें जरूर पहनाइए, उनके चरण का स्पर्श कीजिए और उनको भोजन करवाइए। उसमें भी आप जो है गुड़ जरूर जो है भोजन में किसी भी रूप में उनको खिलाइए, और बाकी पूड़ी वगैरह तो होता ही है, पूड़ी हलवा वगैरह जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो आप सब खिला सकते हैं बच्चियों को। इसमें जो भी आप जिस भी मुश्किल के लिए आप ये साधना करेंगे 11 दिन की ये, वो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, और यह मंत्र जो है मुश्किलों को भगा देने वाला बताया जाता है। और अगर यही प्रयोग अगर हम गोपनीय बात में बता रहा हूँ कि अगर इसी प्रयोग को आप अगर किसी साधना से पहले कर देते हैं तो उस साधना में भी सफलता मिलने के पूरे जो है प्रतिशत बढ़ जाते हैं, भगवान गणेश स्वयं सहायता करते हैं कि आपको उस साधना में भी सफलता मिलेगी। तो इसको जो है हम विजय गणपति प्रयोग के नाम से जाना जाता है, बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही कम ये देखने को ये साधना और ये विधि मिलती है, तो इसके लिए बस आपको ये सब करना है। और उसके बाद फिर वो जो भगवान गणेश की मूर्ति है वो आपको जल में अर्पित कर देनी है, और जल में अर्पित कर देनी है, वो माला आपको जल में अर्पित कर देनी है, यानी आप नदी में चले जाइए या कहीं ऐसा जो स्थान हो जहाँ पर नदी बहती हो
तो वहां पर जाकर के उस मूर्ति को जो है प्रतिस्थापित कर दीजिए, जाकर के बहा दीजिए, जैसे भगवान गणेश जी को बुलाया जाता है उसी प्रकार उनको जो है विसर्जित भी किया जाता है। तो विसर्जित कर दीजिए, माला भी विसर्जित कर दीजिए उसी के साथ, और साधना से जुड़ी हुई चीजें जो है वो सब आप वहां पर विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार से करने पर भगवान गणेश की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये मंत्र आपके जीवन भर के लिए सिद्ध हो जाता है। आप इससे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, आपका रक्षा मंत्र के रूप में भी काम करेगा, जीवन में मुश्किलों को भी हल करेगा, और जो भी लौकिक कार्य हैं, जिस कार्य के लिए आपने वो संकल्प लिया था वो कार्य भी सिद्ध करेगा ये मंत्र। तो बहुत ही अच्छा और सात्विक मंत्र है, कर सकते हैं, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको ये जानकारी और प्रयोग पसंद आए तो जरूर कीजिए। अगर आपको ये विधि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।